हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। सभी वीडियो सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखिएगा, एक एक क्वेश्चन। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, जैसा कि BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ाम डेट है आ गया है, 27, 28, 29, 30 जून को होना है। आपका फिजिकल एजुकेशन का किस डेट में पड़ेगा पता चल जाएगा। एंड दोस्तों, अब आपके पास टाइम नहीं है और जो ही BPSC TRE 3 फाइनल होगा, TRE 4 भी तुरंत अगस्त में कराया जाएगा जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों, आपका जो प्रिपरेशन है वो बेकार नहीं जाएगा। आप शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए। इसमें सीट भले कम है, लेकिन आने वाले वैकेंसीज में ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो आपका मेहनत है कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए अपनी कमियों को ढूंढिए। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन, MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एंड चैप्टर वाइज MCQ, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। BPSC TRE 2 में दोस्तों चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का BPSC TRE 2 में मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। उन सभी वीडियोज को, 89 वीडियोज को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, 2024 का ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह 89वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आप सबको पता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड आध्यात्मिक सभी प्रकार के व्यक्ति का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आप साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो शारीरिक शिक्षा का कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट किसके प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, यह रोम से संबंधित है, जहां पे सैनिक प्रशिक्षण कराया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, किसे एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, प्रोफेसर जीरी सोंधी को एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें एशियन खेलों का पितामह भी कहा जाता है। जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह बैरन पियरी कुबर्टिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में किसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है। तो दोस्तों, वह है अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों, समाज में तथा शिक्षा में शारीरिक शिक्षा किस आधार पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है। तो दोस्तों, यह एक अच्छे नेतृत्व के रूप में, एक अच्छा नेतृत्व करके महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ शारीरिक शिक्षा प्रयोग करते हैं शब्द का, उसी प्रकार रूस में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो वहाँ शारीरिक संस्कृति यानी फिजिकल कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह वैधानिक संस्था है दोस्तों NCTE, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। दोस्तों, यह क्वेश्चन हर बार किसी न किसी माध्यम से पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिसे BPSC TRE 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, NCTE का पूरा नाम क्या है। जस्ट मैं बताई हूँ, NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों, NCTE का जो है स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुआ और इसका कार्य है भारत की शिक्षा प्रणालियों के मानक व उनके कार्य को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे हिंदी में हम कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में किया गया, नवंबर 1956 में। यूजीसी का कार्य होता है उच्च शिक्षा शिक्षकों की वेतन योग्यता पाठ्यक्रम को संशोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर। और दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुआ था, एंड इसका कार्य है केंद्र व राज्यों के स्कूलों को शिक्षा के लिए परामर्श देना। नेक्स्ट दोस्तों NAAC का पूरा नाम क्या है? तो NAAC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जिसकी स्थापना 1994 में हुआ, हेडक्वार्टर बंगलौर है। NAAC का कार्य है भारत की उच्च शिक्षा में सुधार लाना। नेक्स्ट दोस्तों AIU का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों AIU का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गामक कौशल के क्रियान्वित करने के लिए प्रयास एवं त्रुटि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यह है एक थ्योरी है थांडाइक द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है? तो दोस्तों प्रयोगवाद को, जिसे व्यवहारवाद डिवेइज्म या प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, जबकि आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के प्रवर्तक हैं प्लेटो, यथार्थवाद यानी रियलिज्म के प्रवर्तक हैं अरस्तु, एंड प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं रूसो। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृद्धि जायगोट से प्रारंभ होती है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको गेमेटस सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महिला व पुरुष सिर्फ एक चीज को छोड़कर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों वह जो कायकीय सारी क्रिया होती है आंतरिक, उसको छोड़कर अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य प्रणालियां किस देश में उद्भूत हुई हैं? जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह हैं, गर्समर्स हैं, बट यहाँ पे पूछा है कि जिम्नास्टिक की ज्यादातर जो मुख्य प्रणालियां हैं किस देश से उद्भूत हुई हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर दिया है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। तो यहाँ स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप के देश जिनकी संस्कार व भाषाएं मिलती जुलती है, यह देश है स्वीडन डेनमार्क हंगरी फिनलैंड एंड आइसलैंड। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो सबसे पहले आप जानिए कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ, एंड दोस्तों इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है चंगाई बंदी च से हो जाएगा चंडीगढ़, जो उत्तरी केंद्र है चंगाई गा से हो जाएगा
गांधीनगर जो पश्चिमी केंद्र है, चंगाई ई से हो जाएगा, इम्फाल जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, चंगाई बंदिक बन से हो जाएगा बंगलोर जो दक्षिण केंद्र है, एंड डी से हो जाएगा दिल्ली जो केंद्रीय केंद्र है, और क से हो जाएगा कलकत्ता पूर्वी केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रांची नहीं है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय रांची में कोई नहीं है साई का। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में शारीरिक शिक्षा से संबंधित सबसे अधिक इतिहास किस काल में मिला है? तो दोस्तों वह हिंदू काल में सबसे ज्यादा मिला है। नेक्स्ट है आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आदर्शवाद आइडियोलॉजी के संस्थापक प्लेटो हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस खेल में मांसपेशियों की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी बहुत कम पड़ती है, जैसे शूटिंग हो गया, तीरंदाजी एंड टाइकांडो, इन सब में मांसपेशी क्रिया की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, शूटिंग, तीरंदाजी एंड टाइकांडो में मांसपेशी क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, बट शतरंज में नहीं पड़ती है, क्योंकि शतरंज दो लोग बैठ के खेलते हैं, बहुत कम अपना हाथ इधर उधर करना पड़ता है, माइंड वाला गेम है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यानी साउंड माइंड लिव ए साउंड बॉडी। तो यहाँ पे स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर वास करता है, किस दर्शन शास्त्र से संबंध रखता है? तो सबसे पहले जानिए इस बात को, कहा किसने था? तो अरस्तु। अरस्तु किस दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक थे? तो यथार्थवाद के। यहाँ यथार्थवाद यानी रियलिज्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जा रहा है तो इस क्रिया में स्थानांतरण का प्रभाव कैसा होगा? तो दोस्तों बास्केटबॉल भी उछल उछल के ऊपर से उसको मारा जाता है, हैंडबॉल में भी मारा जाता है, यानी दोनों में कुछ कुछ समानता है, इसका मतलब कि उसका सही असर पड़ेगा, सीखने में मदद कर रहा है, तो यहाँ पे सकारात्मक स्थानांतरण होगा, यानी कि पहले के सीखे गए कार्य का अगर नए सीखे गए कार्य में सहायता कर रहा है तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि पहले से सीखे गए कार्य को नए कार्य सीखने में सहायता मिल रहा है तो उसे धनात्मक यानी सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, और यदि पहले के सीखे गए कार्य से नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न हो रहा है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। यदि पहले से सीखे गया कार्य नए कार्य सीखने में न बाधा उत्पन्न कर रहा है न सहायता कर रहा है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने शुरू किया? तो यह शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति ने शुरू किया। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रेडरिक लुडविक जान ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलन किया था? तो फ्रेडरिक लुडविक जान ने पेट्रियाटिक जिम्नास्टिक को शुरू किया था जर्मनी में। जैसे कि जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का जो पितामह कहे जाते हैं, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जान बर्नार्ड बेसडो को कहा जाता है, और जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्समर्स को बोला जाता है, जिन्होंने दो पुस्तक लिखा, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। फिर आते हैं फ्रेडरिक लुडविक जान, जिन्हें जर्मनी में शिक्षा में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रथम व्यक्ति माना जाता है, एंड फ्रेडरिक लुडविक जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा है। उसके बाद जर्मनी में आता है एडॉल्फ स्पीच, जो जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? तो 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा संपन्न हुआ।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा वस्तुतः किसका क्रियात्मक रूप है। तो दोस्तों जैसे खेलना, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है तो आप खेलने चले गए, एक मनोरंजन का क्रियात्मक रूप है। क्या है? मनोरंजन का। नेक्स्ट है विशेष रूप से शारीरिक प्रशिक्षण किसके लिए अधिक अनुकूल रहता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अनुकूल होगा सैनिक के लिए। किसके लिए? सैनिक के लिए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए किस सत्र में कार्यक्रम शुरू किए। तो 1970-71 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किए। नेक्स्ट दोस्तों भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है। तो आप सबको पता है, राइट आंसर आपने टिक कर दिया होगा दोस्तों, तो युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों समाज शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है। तो समाज में क्या है? मूल्यों पर, नैतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले शरीर के परिमाण और आकार के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था दोस्तों। तो वो है आपके शेल्डन, जिन्होंने बॉडी टाइप को तीन भागों में बांटा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, जिन्होंने शरीर के आकार और ढांचा तथा बॉडी कंपोजिशन के आधार पर वर्गीकृत किया। एंडोमॉर्फिक जिसका सोमेटोटाइप स्केल 7-1-1 होगा, एंडोमॉर्फिक को बिस्ट्रोटोनिक भी कहा जाता है। गोलकाय शरीर होता है, मोटा कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला। और एंडोमॉर्फिक जो है वह जिसमें ताकत की आवश्यकता होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, कुश्ती आदि में ज़्यादा अच्छा होते हैं, जबकि फुर्ती वाले खेलों में चपलता, एजिलिटी, चाल में अच्छा नहीं होती। दूसरा इन्होंने बांटा पेशी प्रधान संरचना मेसोमॉर्फिक, जिसे सोमेटोटोनिक भी बोला जाता है। इसका सोमेटोटोनिक टाइप स्केल 1-7-1 होता है। जैसे कि मेसोमॉर्फिक जो होते हैं वो सभी चीज़ों से अच्छे होते हैं, जैसे कि पेशी प्रधान संरचना यानी कि अस्थि पंजर और पेशियाँ सशक्त यानी मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय होते हैं। जो मेसोमॉर्फिक होते हैं चाहे ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों के लिए अधिक अच्छा होते हैं। तीसरा इन्होंने बांटा अस्थि प्रधान संरचना एक्टोमॉर्फिक, जिसे लंबकाय बॉडी या सेरिब्रोटोनिक भी, प्रमस्तिष्क प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका दिमाग ज़्यादा अच्छा होता है। एक्टोमॉर्फिक का सोमेटोटाइप स्केल होता है 1-1-7। एक्टोमॉर्फिक लंबा, दुबला, पतला, कमजोर, सुंदर होता है, एकांतप्रिय होता है। एंड दोस्तों यह सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व ज्यादा बनाए रखते हैं, याद रखिएगा। स्पीड, चपलता, ताकत की बात करेगा तो मेसोमॉर्फिक, सहनशीलता की बात करेगा तो एक्टोमॉर्फिक, एंड ताकत वाले खेलों जैसे कि पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुनू की कुश्ती की बात करेगा तो एंडोमॉर्फिक राइट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा शरीर का अंग किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों जो हमारा कान है सुनने का काम करता है, बॉल है जो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, नाखून जो है ये भी कुछ न कुछ कार्य करता है, बट जो हमारा कॉक्सियल हड्डी है जो हमारे रीढ़ की हड्डी की सबसे निचला वाला भाग होता है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती है जिसमें से 5 भाग होते हैं सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ, लंबर रीजन में कमर में 5 हड्डियाँ, एंड सॉरी दोस्तों सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ, थोरेसिक में वक्ष में 12 हड्डियाँ, और लंबर रीजन कमर में 5 हड्डियाँ, और सेक्रल में 5 होती हैं जो बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है, और 5 होता है कॉक्सिजियल जिसमें 4 हड्डियाँ होती हैं जो बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है, पूंछ के समान होता है कॉक्सिजियल, जो एक अवशेषी अंग माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग द्वारा
किसी के मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है। तो वो अंग है दोस्तों आँख, आँख को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपका भावना क्या कह रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध निम्न में से किसका है? तो दोस्तों वैसा ही संबंध है माँ बेटी का, उसी तरह संबंध है शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो अधूरा है। नेक्स्ट है, किस विज्ञान में प्रयोग या अनुप्रयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों ये सभी प्रयोग अनुप्रयोग यानी कि उपयोग अनुपयोग जो थार्नडाइक ने दिया है सीखने के सिद्धांत, तीन सिद्धांत दिया है मुख्य रूप से, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का सिद्धांत जिसे उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो ये मनोविज्ञान में दिया गया है, साइकोलॉजी में दिया गया है। नेक्स्ट है, शरीर का पर्याप्त शारीरिक विकास निम्न में से किसके बिना संभव नहीं है? तो दोस्तों ओवरलर्निंग, अति प्रयोग, अति प्रशिक्षण नहीं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अति भार। क्या हो जाएगा? अति भार यानी ओवरलोड के बिना शरीर का पर्याप्त विकास संभव नहीं है, यानी डेली बेसिस आप जितना कर रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आपको लोड बढ़ाना होगा, तभी आपके शारीरिक विकास पूर्ण रूप से संभव हो सकता है। प्रशिक्षण भार यहाँ पे होना चाहिए, अति भार नहीं, बट अति भार यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्टोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति निम्न में से किस क्रिया के लिए अनुकूलन होता है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ दोस्तों, गति के लिए, ताकत के लिए, चपलता के लिए, ये आपका मेसोमॉर्फिक हो जाएगा, लेकिन केवल ताकत का दिया रहेगा तो एंडोमॉर्फिक हो जाएगा, और जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होता है वो सहनशीलता के लिए अनुकूलन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहाँ हुआ था NDS का? तो इसका गठन जो है कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला नरेश निम्न में से किस समिति के शीर्ष स्थान पर थे? तो यह एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के शीर्ष स्थान पर थे, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था, इसी के आधार पर 7 मई 1961 को NSNIS पटियाला की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, NSNIS पटियाला का मुखिया कौन होता है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का मुखिया कौन होता है? तो इसका मुखिया होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एकेडमिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल चिकित्सकीय शास्त्र में किस भारतीय संस्थान ने 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया? तो यह किया NSNIS पटियाला ने ही, खेल चिकित्सा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया, पाठ्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, में से कौन शरीर का प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मुख्य शरीर के प्रकारों में नहीं है? तो दोस्तों एम्ब्रीवर्ट, एक्टोमोर्फिक, सेल्डन ने दिया है लंबकाय दुबला पतला शरीर, एस्थेनिक, क्रैसमैन ने दिया है, मेंटोनेंट किसी प्रकार का बॉडी टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल देशों में काफी लोकप्रिय है? तो वह दोस्तों खेल है क्रिकेट। नेक्स्ट है, पर हेनरिक लिंक द्वारा निर्मित निम्न में से जिम्नास्टिक का वर्गीकरण कौन नहीं है? तो दोस्तों पर हेनरिक लिंक ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा, शैक्षिक जिम्नास्टिक जहां पे ये राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक जिम्नास्टिक यानी मिलिट्री जिम्नास्टिक ये भी राइट हो जाएगा, एंड एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक ये भी राइट हो जाएगा, एंड स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक, इन्होंने 4 भागों में बांटा था, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक।
तो दोस्तों यहाँ पे चारों चीजें दे दिया है, तो एथलेटिक जिम्नास्टिक यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक्रोबेटिक्स मतलब कलात्मक ही होता है, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक मतलब कलात्मक जिम्नास्टिक ही होता है, बट यहाँ पे एस्थेटिक जिम्नास्टिक आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग निम्न में से चौड़ा होता है दोस्तों? तो जो कुल्हा यानी हिप वाला भाग होता है, सॉरी दोस्तों कुल्हा, मैं कुल्हा करके कंधे पर लगा दे रही थी, ऐसा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो दोस्तों महिलाओं का कुल्हा वाला भाग अधिक चौड़ा होता है, इसीलिए सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो है पुरुषों से नीचे होता है महिलाओं में, जिसे जितना किसी भी वस्तु या शरीर का जो सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, इसलिए महिलाएं संतुलन वाली क्रियाएं ज़्यादा अच्छा कर लेती है पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट है, स्वीडन द्वारा 1939 तथा 1949 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो दोस्तों जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वीडन की जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना, जो कि दोस्तों द्वितीय लिंगयार्ड जो है जो 1949 में, प्रथम लिंगयार्ड 1939 में एंड द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में, द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में स्टॉकहोम स्वीडन में भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र ने सारी गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की उस अवस्था को बताइए जिसमें यौन रचना के अलावा किसी शारीरिक रचना में अंतर नहीं पाया जाता है। तो वो होता है आपका प्यूबर्टी ईयर, जो किशोरावस्था के जस्ट पहले वाला अवस्था होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आघात के कारण हड्डी का कई जगह से टूट जाना कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? तो मैंने फ्रैक्चर वाले वीडियो में स्पोर्ट मेडिसिन में जाके देखिए दोस्तों, अच्छे से मैंने सभी फ्रैक्चर के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिडेट फ्रैक्चर। कम्युनिडेट फ्रैक्चर में क्या होता है कि एक ही हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाता है और इसमें संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। एक होता है संघात फ्रैक्चर यानी कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे हड्डी पर रगड़ खाता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है। एक होता है जटिल अस्थि फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियाँ टूटकर मुलायम अंगों जैसे फेफड़ों हृदय गुर्दे आदि में घुस जाती हैं। एक होता है सिंपल फ्रैक्चर यानी जो साधारण रूप से टूटता है, हड्डी टूटती है बस चमड़ी नहीं फटती है, साधारण या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर, जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं प्लस चमड़ी से बाहर भी निकल जाती हैं। और एक होता है ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर, जो शिशुओं और बच्चों में होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है हड्डियाँ, इसलिए टूटती नहीं है मुड़ जाती हैं। एक होता है दोस्तों डिप्रेस फ्रैक्चर, जो खोपड़ी के कपाल यानी क्रेनियल भाग की जो हड्डियाँ होती हैं टूटकर अंदर घुस जाती हैं, उसको डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है रोगात्मक अस्थि भंग यानी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यानी जो रोगग्रस्त व्यक्ति का छोटे से आघात के कारण हड्डी टूट जाना। एक होता है दोस्तों तिरछा अस्थि भंग, जिसे ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें तिरछे या विकर रूप से टूट जाती है, अधिकतर ह्यूमरस और फीमर अर्थात शरीर की लंबी अस्थियों में ऐसा होता है। एक होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर यानी कि आड़ा तिरछा अस्थि भंग, इसमें रीढ़ की हड्डियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना होता है, इसकी आकृति पंख की तरह जरा रीढ़ की ऊपरी व मध्य भागों में तथा पीठ के नीचे भाग में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और एंड डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।